अभी 124। ओह माय गॉड, रूटर का इवेंट है 1 जून से 7 लाख और 32 टीम को इनवाइट मिलेगा, तो फिर हाइड्रा खेलेगी या नहीं? रूटर की जो इवेंट है गाइस, क्राफ्टन की तरफ से अभी कोई भी इवेंट कराने मना किया गया है। मे बी वो इवेंट बीच में स्टॉप हो जाए या स्टार्ट ही ना हो, और रूटर इवेंट नहीं करवा सकती है क्योंकि उससे पहले कुछ और चीज़ होने वाली है। मुझे नहीं लगता भाई जो तुम बोल रहे हो वो उसका वास्तविकता से कोई लेना देना, अगर लेना देना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात गाइस, तुम लोग बहुत दिन से आर्डर करो हाइड्रा लाइनअप का, मैं तुम्हें अपडेट दे देता हूँ आज क्लियर एंड फाइनल। पता नहीं मेरे बोलने के बाद मैं गाली सुनूंगा या नहीं सुनूंगा। जो हमारी पुरानी लाइनअप थी गाइस, जैक्सन, सीक्रेट और डायनोसिस, अभी उन लोगों का लाइनअप फिक्स नहीं है हाइड्रा में, ठीक है? वो लोग मैं बताता हूँ कौन कौन 100% नहीं है। सीक्रेट नहीं है हाइड्रा में गाइस अब फिलहाल हाइड्रा के लाइनअप में, बाकी जैक्सन भी नहीं है गाइस, बट अभी डायनो इन टॉक्स है कुछ और अच्छी चीज़ के साथ, मे बी लाइनअप को लेके आएगी तो कुछ एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ आएगी, वरना नहीं आएंगी। अभी एक टॉक्स चल रहे किन्हीं के साथ डायनो का, तो उसी चीज़ को लेके कल भी हमारी बहुत देर तक बात हुई थी। डायनोसिस अभी भी डाइसी है, मतलब डायनोसिस का भी कोई फिक्स नहीं है गाइस कि वो कहाँ है नहीं है, ठीक है? बट जो भी लाइनअप आएगी गाइस हाइड्रा में, अगर आती है तो बहुत ही तूफान, बहुत ही धमाकेदार होगी और आप लोग निराश नहीं होंगे। बट अगर नहीं आती है तो वो आपको डायनो बताएंगे, लेकिन इन टॉक्स हैं अभी हम, मैं 4-5 लोगों के साथ इन टॉक्स हूँ, 4-5 अच्छी लाइनअप के साथ, एंड उनमें से 4-5 लाइनअप्स ने अप्रोच कर रखा है और हमने भी अप्रोच, मैंने भी 1-2 से बात की है जो कि बहुत ही अच्छी हैं, तो इन टॉक्स हैं अभी। जो भी होता है आपको पता चल जाएगा, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे अगर वो लोग आते हैं। पुराने वालों के साथ ये सीन हुआ, अगर आप पूछोगे, जो डायनो ने ऑलरेडी बताया था कि वो अकेले मैनेज कर रहे हैं एंड सभी चीज़ें वो अकेले कर रहे हैं, एंड गेम था नहीं, बैन पीरियड में बहुत सारी लाइनअप्स को नहीं मिला है, मुझे जहाँ तक पता है मैक्सिमम लाइनअप्स को सैलरी नहीं मिली थी। बट जो भी है यार, अब अपनी मेंटालिटी को, किसी की मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी है देखते हैं गाइस, जो भी होगा आप लोग इस बार निराश नहीं होंगे, ठीक है? एंड बाकी जो भी लाइनअप आएगी या नहीं आएगी वो डायनो आपको कन्फर्म बता देंगे, बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉक्स हैं एंड डायनो अभी कन्फर्म करेंगे, वो भी बात कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं आपस में, वो मामा और आपस में उनके जो भी हैं डायनो के। अगर हो जाता है गाइस ना तो मज़ा आ जाएगा आपको भी। बाकी आपको लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, आप जो मुझे गाली देते हो आपको लगता है, जब आपको बैक स्टोरी पता चलेगी कि मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि मुझे गाली देना सही था या गलत। कोई नहीं, एक टाइम के लिए गाली सुन लेता हूँ, बट आपसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का। और जैक्सन को तो ले लो भाई, देखो जैक्सन को लेना मेरे हाथ में नहीं है, वही जैक्सन को भी देखो, मैं जैक्सन को भी गलत नहीं बोल रहा, बट अपने पर्सपेक्टिव को भी गलत नहीं बोल रहा, जैक्सन को बिल्कुल कोई हेट नहीं, उसने बहुत बढ़िया बंदा है, बट बैन पीरियड में आपने देखा था गाइस कि बहुत सारी टीम स्टिक कर रही थी, बहुत सारी टीम अलग भी हुई है, बट हमारी टीम में आप खुद ही देख रहे थे कि बंदे इधर उधर खेल रहे हैं, जो भी उनका सीन था। बट बैन पीरियड में आपको बताया जाए तो मोस्ट ऑफ द टीम्स को सैलरी नहीं मिली, मोस्ट ऑफ द टीम्स, मैं आपको बता सकता हूँ 90% टीम्स को सैलरी नहीं मिली थी, बट लोग अलग खेल रहे थे, वो सब एक फैक्टर था, अगर तब भी स्टिक कर रहे होते तो अभी बात कुछ और होती, बट बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फिशी हुई, इधर उधर हुआ, तो डायनो का भी थोड़ा सामान इधर उधर हो गया, तो डायनो ने ऐसा कहा कि ब्रो मैं ऐसी जगह पे करना चाहता हूँ, समझ रहे हो, डायनो ऐसा करना चाहते कि एकदम आए तो एकदम टॉप पे, वरना ये नीचे नीचे वाला कोई सीन नहीं रखना है। यही सुन सुन के थक गया हूँ कुछ,